अच्छी पोजीशन में रहेंगे 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 इख्तदार की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और जो आपने इमरान खान साहब का हाथ देखा है तो ये इन मुश्किलात से निकलते कहीं नजर आ रहे हैं या उस वक्त आपको ये लाइन नजर आ रही थी कहीं पे कि इतने हालात क्योंकि मैंने कोई ऐसे देखा नहीं ना वो से बातचीत कर रहे हैं हाथ पे नजर पड़ गई एक प्रॉपर देखना वो इतनी मेरी जरूरत नहीं थी मैं अपने चेयरमैन साहब को हाथ दिखाया उन्हें वैसे ये पता था कि अकबर की नॉलेज है पता था उनको मेरे यूट्यूब चैनल का भी पता था और वो कहते थे मैंने सुना बड़ी कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास बड़ी फॉलोवरशिप है तो वह मैंने उनका हाथ उस तरह तो नहीं देखा मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूँगी बात करते के दौरान उनके हाथ में सीधी सादी तीन लाइनें कोई वल्फ रेप नहीं कुछ नहीं बहुत ही स्ट्रेट दरवेश आदमी है सच्ची बात है जो हाथ की लाइनों से मुझे अपने अल्लाह को जान देनी है और पर्सनैलिटी भी ऐसी है पर्सनैलिटी भी ऐसी है मैंने तो इतना ही देखा हमारे साथ बैठकर वो जूठा भी खा लेते हैं अगर हमने प्लेट नहीं भी है तो रखकर दाल रोटी जो भी है बट एवर सादगी उनकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इज वेरी सिंपल अगर हाथ की लाइनें सीधी हैं तो ये मामला इतने टेढ़े कैसे हो गए देखिए हो जाते हैं कभी कभी आपको आपके मशीर ले डूबते हैं मेरा ख्याल में ना भुट्टो को भी उनके मशीर ले डूबे ये कभी कभी जो ये मशीर हैं और जो एकदम से एंट्री हवाई एंट्री देते हैं ना ये आपको बहुत नुकसान दे देते हैं मैं हम क्योंकि पुराने साथी थे मुखलिस साथी थे हम लोगों को महसूस भी होता था हम कई बार निशानदेही भी करते थे लेकिन जो ज़्यादा साथ रहता है हर वक्त आपको वही कान के क्लोज होता है वही आपको एक पिक्चर दिखाता है जो आपको पिक्चर क्योंकि लीडर जो होता है वो इतनी चीज़ें देख रहा होता है कि वो हर चीज़ को मिन्यूट लेवल पर नहीं दे सकता वो अपने टीम की फीडबैक पर ही बहुत सारे फैसले करता और जब टीम आपको इंटेंशनली गलत फीडबैक दे रही हो फिर गलत फैसले भी तो हो सकते हैं ये वैसे उनका बहुत पर्सनल मैटर है लेकिन खान साहब की शादी के हवाले से बहुत बातें की जाती है मुखालफीन भी करते हैं और आई थॉट कभी पार्टी के अंदर भी ये बातें होती हैं ये जो अभी वाली शादी है चलती रहेगी या इसमें मामला कुछ ख़राब हो सकते हैं क्योंकि हाथ की लकीरें तो ये बता देती हैं नहीं नहीं मैंने उस क्योंकि उस साइड पे इंसान देखा नहीं है लेकिन अल्लाह ताला मेरी दुआ कि शादी चलाए रखे उनका घर आबाद रखे उनकी बेगम उनके साथ बहुत सिंसियर हैं और बहुत साथ खड़ी हैं हर मुश्किल वक्त में आपकी एक तस्वीर वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बड़ी वायरल हुई आप साईं उस्मान गुजार का हाथ देख रही थी तो अब एक दफा तो वो सीएम बन गए क्या कहीं दूसरी दफा सीएम बनने की लकीर थी या प्राइम मिनिस्टर की लकीर तो नहीं है हाथ में वैसे हाथ की लाइनें उनकी कमाल है मैंने मतलब शख्सियत का जो एक इमेज था और जो हाथ की लाइनें थी वो कंपेयर किया मैंने कभी इतना मुतजाद चीजें सब शख्सियत का कहते था सीधा साधा बंदा है पता ही कुछ नहीं है ये नहीं वो नहीं हाथ की लकीरें एक इंतहाई ज़हीन आदमी की थी बड़ा वो कहता नहीं है लाइन और लेंथ देखकर बात करने वाला ब्रेनी और लकी लेकिन जज्बाती भी काफ़ी हैं अच्छा। उनसे जज्बाती तौर पे मैंने कहा था कि आप काफ़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं लेकिन आपका वैसे ब्रेन और लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो उस लक में कहीं दोबारा इक्तदार था हो सकता दोबारा हो सकता ही कैन बी पार्ट ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट ओके और वो कहीं आईबीपी के प्लेटफॉर्म से तो नहीं होगा आई डोंट नो मेबी अच्छा कोई ऐसा मैं कह रहा अब मैं कुछ नहीं कह सकता सब कुछ कुछ भी हो सकता है यहां पे आप ये जिस आपने अभी ऑफ रिकॉर्ड बात करी थी कि ये नॉलेज आपकी फैमिली में और आपके वालिद साहब से आप तक पहुंचा आपके वालिद साहब ने आपको बता दिया था आपका हाथ देख के कि आप दो दफा असेंबली का टेन्योर पूरा करने के बाद पार्टी बदलेगी इतना एग्जैक्ट इतना मुझे उन्होंने पार्टी का नहीं कहा तुम्हारा अदारा चेंज हो जाएगा या काम में क्या कहा था एग्जैक्ट उन्होंने वो मुझे उन्होंने कहा चेंज है दरअसल बात तुम्हारी जिंदगी में ना प्लेटफॉर्म चेंज है टोटल तो मैंने कहा वो हो नहीं सकता तो सियासत के अलावा मैंने कुछ किया नहीं और दूसरा मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं मेरी जिंदगी में ना तो उनका इल्म उनका हिसाब इतना एक्यूरेट होता था कि परेशान कर देता था उन्होंने अपने इंतकाल से 5 दिन पहले मैं कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी ही कॉल्ड मी एंड सेड कि बेटा वापस आ जा कितने गई हैं तू कितने चली गई हैं डांट पड़ती थी मगर मैं वैसे ही इधर उधर तो मैंने कहा अबू मैं कॉन्फ्रेंस पे आई हूँ फिर वापस आ जा मैं कहा अबू मैं आ जाऊँगी 2 दिन में कहते नहीं 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 फ़ौरन वापस आ जा कल ही वापस आ जा हम पहाड़ों पर थे तो रात को मैं निकल नहीं सकती थी तो मैं कहा क्या बात है कहते मेरे पास सिर्फ 5 दिन है वो क्या बात है बीमार हो क्या क्यों कह रहे हो ऐसा कहते नहीं मेरे पास 5 दिन है आई नीड यू हेयर विद मी बस अगले दिन में चलेगी और पूरे पाँच दिन बोले मुझसे सारी बातें सारी जिम्मेदारियाँ बहन भाइयों के हवाले से सारी चीज़ें करके मेरे सुपुर्द करके मैंने इतने सुकून से कभी किसी को जाते नहीं देखा जैसे मैंने अपने बाप को जाते देखा पढ़ते पढ़ते ऐसे टेक लगाया उधर जुमे के दिन फजर की अजान का अल्लाहू अकबर हुआ है
और मेरे अबू के दिल हार्ट बीट बंद ख़त्म हो गई। टेक लगाया, हमने कहा शायद नींद आ गई है, आराम करने लगे, लेकिन वो बस इतना एक्यूरेट। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अबू के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से ना हार्डशिप बढ़ गई। अबू सामने थे ना तो लगता था हर चीज़ को रोक लेते हैं, अब ऐसे लगता है कि वो एक शील्ड जो थी ना, वो जो ठंडा साया था, वो हटी है। लेकिन मैं अबू की कब्र पे बहुत रेगुलर जाती हूँ, डेली जाती हूँ, बातें करती हूँ उनसे, ऐसे ही मिलती हूँ जैसे रोज़ मिलती थी। इतनी भी मसरूफियात होती थी, मैंने कभी अपने बाप का, माँ बाप का जो टाइम होता उसको हर लिहाज से निकालती थी, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलते। अभी आपने बहुत से लोगों के ये हाथ देखे, तो ये किसी का ऐसा हाल से देख के डर लगाओ कि ये इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बताते हुए भी डर लगाओ? हाँ, ऐसे बेशुमार हाथ होते हैं। कुछ एक ऐसे करीबी लोग होते हैं जिनका एक बहुत ही करीबी इंसान, अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, जब मैंने हाथ देखा तो जो मुझे नज़र आई है कि वो लाइफ लाइन बहुत छोटी है, उसके लिए मुझे बहुत डर लगा। किसी का हादसे का देखा और फिर वो हो गया, फिर मतलब वो सफरिंग, और बड़ी इसलिए ना अबू में जब समझ आती है कि अबू हम लोगों के हाथ इस तरह क्यों नहीं देखते थे, अपनी औलाद के नहीं। हाँ, अबू भी अवॉइड करते थे और आपके अपने बड़े का। अच्छा, मज़े की बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं आज़म कि आप उनका तसव्वुर ही नहीं कर सकते, उनकी शख्सियत को देहाती सा सादा सा बंदी, या वो उनका हाथ इतना ख़तरनाक होता है, मर्डर भी कर सकते हैं वो, तब वैसे भी करेक्टर वाइज भी बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें सामने आती हैं। कि आप एक बात है कि अच्छा इंसान धोखा ऐसे ही खाता है कि अंदर की शख्सियत कितनी डिफरेंट है, बज़ाहिर देखने में क्या मुख्तलिफ। तो किसी का ऐसा देखा हो जो बज़ाहिर बड़ा आपको माली तौर पे गरीब लग रहा हो लेकिन हाथ बताता हो कि बहुत पैसा, बड़ा गनी होगा, बेशुमार देखा ऐसा कोई? देखा, देखा, और लोगों की काया पलटती भी देखी। देखिए आप, हाँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है उनके साथ। लेकिन है कि मैं ये समझती हूँ कि गैब का इलम सिर्फ अल्लाह के पास है। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना ये पॉमिस्ट्री गैब का इलम वगैरह नहीं है। देखिए, ये लाइन्स जो है ना, अगर मुट्ठी बंद करने के लिए होती ना तो हर इंसान की सेम होती, और ये लाइंस अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है? और ये सब लिखा जो है वो अल्लाह ने लिखा है, हमारी औकात नहीं है कि हम लिख सकें या बता सकें या इसको चेंज कर सकें। यही होता है आपके सामने, अगर आज फ्रेंच बुक पढ़ी हो, एक जो लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं आती, आप उसको नहीं रीड कर सकते, आपके लिए वो मिस्ट्री है। आपको अगर वही आप सीख लें और आपको समझ आ जाए तो आप उसको रीड करना शुरू कर दोगे। हम ये इस लाइन को रीड करना सीखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है इसको हम समझें कि आप डिकोड करते हैं। ये लैंग्वेज अल्लाह ही की लिखी हुई है, और इसमें ये होता है, मैंने बच्चों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चियों के हाथ देखे हैं। वो ये नहीं कि मैं उनको कहती तुम ये बन जाओगी, तुम ये कर लोगी, तुम्हारे आगे ये, मैं फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन ऐसी कुछ नहीं करती हूँ।